नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यार कि आप पबजी मोबाइल में किसी बॉट को यार एप्पल से किल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बॉट वही यार जो रोबोट्स आपके सामने आ जाते हैं, सिर्फ आपको डैमेज नहीं देते पर आप उन्हें आसानी से मार पाते हैं, तो वही दोस्त बॉट्स। और एप्पल्स दोस्तों जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, जब पबजी मोबाइल का कोई मैच स्टार्ट करते हैं, तो आप फन में एप्पल एक दूसरे के ऊपर गिराते हैं, अपने टीममेट्स के ऊपर जो आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ यार कि आप क्या उन बॉट्स को उन एप्पल से किल कर सकते हैं, क्या वो इतनी क्षमता रखते हैं कि बॉट्स को किल करने की। तो दोस्तों यार वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए उस लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों यार हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार आप क्वेश्चन ये पूछेंगे दोस्तों कि जब आप मैच में जाते हैं तब तो आपके हाथ से एप्पल गायब हो ही जाते हैं, तो आप कहेंगे यार तू क्या बोल रहा है, हम मारेंगे कैसे। तो दोस्तों इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप मैच के अंदर एप्पल्स कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, जब आप मैचिंग करेंगे और जब वो ट्रेनिंग मोड चल रहा होता है, जहां लोग भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, जहां भी आप जैसे इरेग्नल और मीरामार कोई भी आप जगह लगा लीजिए, तो जहां पे आप ट्रेनिंग में होंगे तो यार आपने क्या करना है, अपने बैकपैक पे जाके वो सारे एप्पल्स और कपड़े जितने भी आपके वो एक जगह पे जाके छुपाने हैं। मतलब जब आप ट्रेनिंग मोड में होंगे तब भी वो सारी चीज़ें एक जगह पे गिरा देनी है, और फिर दोस्तों जब वो प्लेन हमारा आएगा, हम सबको ड्रॉप करना होगा, तो आप पहले ही मार्कर लगा दीजिए यार कि आप उस वक्त क्या खड़े हैं, मार्क माई लोकेशन कर देना जब आप ट्रेनिंग मोड में होंगे। तो दोस्तों जब प्लेन आएगा तो प्लेन में से आपने उसी जगह पे कूदना जहां आप ट्रेनिंग मोड में थे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जहां पे आपने एप्पल्स गिराए थे ट्रेनिंग मोड में, आप प्लेन से जब जंप करेंगे आप वापस ही उसी जगह पे आ जाएंगे, तो जो एप्पल्स आपने 10 गिराए होंगे वो आप आराम से वापस ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके मैच में आपके पास एप्पल्स आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका था एप्पल्स लाने का। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ यार, मैंने ये चीज़ ट्राई की है कि हम क्या बॉट्स को एप्पल से मार सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर अभी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मेरे सामने एक बॉट आया, ठीक है, काफ़ी देर तक वो मुझे गोलियाँ चलाता रहा यार। मैंने पहले तो उससे क्या किया, SKS थी मेरे पास गन, मैंने उसे 2 शॉट मारे ताकि यार हम देख पाएँ आसानी से कि एप्पल से बॉट्स जो है वो गिर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैंने लगभग 8 एप्पल्स मार दिए उस बॉट पे, वो भी सारे हेड पे लगे जाके, तब भी दोस्तों उस बॉट्स को कुछ नहीं हुआ। शायद इसका ये मतलब था यार, क्योंकि जब आप एप्पल्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ते उधर लिखा होता है थ्रो जस्ट फॉर फन, मतलब फन के लिए इसे कोई डैमेज नहीं होगा, तभी शायद एप्पल्स कोई नुकसान नहीं कर रहे थे उस बॉट को। तो दोस्तों मैंने काफ़ी एप्पल्स मारे पर यार उस बॉट को कुछ नहीं हुआ, मैंने गेम प्ले नहीं रिकॉर्ड कर पाया दोस्तों। पर मैं हाँ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने गेम प्ले देखना तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने डाला हुआ है, इंडिया के यूट्यूबर्स तो नहीं पर काफ़ी बाहर के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वो गेम प्ले भी डाला हुआ है, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी ये चीज़ ट्राई की थी यार, पर मुझे नहीं मरा कोई बॉट मेरे से, बॉट लगभग मेरे को मारने ही वाला था पर आखिरी मोमेंट पर यार मैंने मार दिया। फिर जब वो नॉकडाउन हो गया तब भी मैंने जो मेरे 2 एप्पल्स रिमेनिंग थे वो उसके ऊपर फेंके, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों कॉन्क्लूजन यही निकलता है यार कि हम बॉट्स को एप्पल से मार सकते। अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं यार, जो मैंने स्टेप्स बताए वो कीजिए। आपको अगर कोई बॉट मिलता है एप्पल मारिए, क्योंकि एप्पल ग्रेनेड की तरह आवाज नहीं करते, अगर कोई छुपा हुआ एनिमी उसके सिर पे मारे उसे चमका दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।